लेकिन शंकु परिच्छेद चल रहा था और विविध प्रश्नावली पे चल रही थी बात, और विविध प्रश्नावली में हमने बहुत सारा सवाल कर लिए थे। अब हम तीसरा सवाल देखें, क्योंकि किताबें सबके पास नई पुरानी सब तरह की है, पुरानी किताब में ग्यारहवा चैप्टर है, नई में हो सकता दसवां हो। तीसरे सवाल पे एक सर्वसम भारी झूलते पुल की केबिल, पुल ये वाले नहीं जो हमारे यहाँ बने हुए, एक तारों से केबिल बने हुए, एक सर्वसम भारी झूलते हुए केबिल परवले के रूप में लटकी हुई है, यानी कुछ इस तरह का है, परवले तो यही होता है, पुल होगा तो इसी तरह का होगा। एक सर्वसम भारी झूलते पुल की केबिल परवले के रूप में लटकी हुई है, यानी इस तरह से लटकी हुई है। केबिल लटकी है तो परवले बना रही होगी, बाकी साइड में लटक रही होगी। सड़क पथ जो क्षैतिज 100 मीटर लंबा है तथा केबिल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है, तो केबिल से झूलते जो ऊर्ध्वाधर तार हैं लंबे, इनसे हमारा जो सड़क का तल है वो जुड़ा हुआ है, ये यहां जुड़ा है ए और बी, ये क्या है केबिल, ये क्या है, ये सड़क है, ऐसे केबिल है ऊपर नीचे दोनों केबिल, और ये झूलता हुआ परवले का आकार है हमारे पुल का, और इसकी जो लंबाई है सड़क की वो कितनी है 100 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। जिसमें सबसे लंबा तार 30 मीटर और सबसे छोटा तार 6 मीटर, तो सबसे लंबा तार तो ये दिख रहा है मुझे दूधवार जो हुआ है, और सबसे छोटा तार ये दिख रहा है, ये 6 मीटर होगा और ये कितने मीटर होगा, 30 आ गया। जिसमें सबसे लंबा तार 30 मीटर, सबसे छोटा तार 6 मीटर है। ठीक है, ये 30 मीटर। अब मध्य से 18 मीटर दूरी पर सड़क पथ से जुड़े समर्थक तार की लंबाई ज्ञात करें। ऐसे बहुत सारे तार जुड़े हुए, ऐसे पुल देखूंगा हावड़ा ब्रिज जैसे, ठीक है हावड़ा ब्रिज तो ऐसे करके बना हुआ है और नीचे तारों से उसको जोड़ रखा है, ऐसे ही यहाँ से मध्य से कितनी दूर 18 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ आ जाओ, तो ऐसा करते हैं हम ये परवला मान लेते हैं जिसका अक्ष कौन सा अक्ष है, इसको मूल बिंदु मान लेते हैं, ये आपका वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, और यहां से मूल बिंदु यहां लेंगे तो ये हमारा जो परवले का जो केंद्र है वो बिगड़ जाएगा, तो हम यहां पर एक रेखा खींच लेते हैं वाई एक्स के एक्स एक्स के समांतर, और इसको एक्स ना कहके किसी को एक्स कहेंगे, बात समझ आ रही है, ये होगा जीरो, इसको जीरो कहेंगे, तो ये नीचे कितना हो जाएगा, ये बिंदु का निशान कितना हो जाएगा, जीरो का मान अच्छे, ठीक है, मैंने जो परवले का शीर्ष है वहीं पर अक्ष को मान लिया, क्योंकि हमने जो परवले पढ़ाया उसका अक्ष एक्स अक्ष होता है और उसका जो शीर्ष है वही मूल बिंदु पे होता है, क्लियर है बात, तो परवले का समीकरण चित्रानुसार, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, ठीक है, परवले
परवलय की अक्ष कौन सी अक्ष है? वाई अक्ष तथा शीर्ष क्या है? जीरो कॉमा जीरो वो है। तो परवलय का समीकरण क्या आएगा? कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay समथिंग, ठीक है। ये लंबाई कितनी है इसकी? 30। ये 30 है, ये कितनी रह गई? 24, ठीक है। तो इसकी निर्देशांक कितने हो जाएंगे? पता नहीं लिख पा रहे। इसके निर्देशांक कितने हो गए? अगर ये ओरिजिन है तो ये दूरी कितनी हो गई? चौड़ाई कितनी थी इसकी? कितनी थी? 100। अरे 100 थी पूरे सड़क की चौड़ाई कितनी थी? 100। अगर सड़क की चौड़ाई 100 थी तो इसे अगर मैं कह दूं पी क्यू, तो क्लियरली हम देख रहे हैं पी क्यू किसके बराबर है? ए बी के। और ये किसके बराबर है? 100। अब क्योंकि परवलय वाई एक्स के परिधि है, सममित होगा, जितना इधर है उतना ही इधर होगा। तो जब सममित है तो ओ क्यू और ओ बी बराबर होंगे। ओ पी बराबर होगा ओ क्यू के, और ये आधा हो जाएगा किसका? पी क्यू का। तो आधा पी क्यू का करोगे तो कितना आ जाएगा? ओ पी बराबर, ठीक। इसको भी नाम दे देते हैं कुछ ना कुछ, एस आर, ठीक। ये पूरी ऊंचाई कितनी थी? आर भी था हमारे पास 30 मीटर, और बी क्यू किसके बराबर है? इसका भी नाम रख दो कुछ ना कुछ, पी क्यू आर एस टी रख दो। ओ टी बराबर कितना है? 6 मीटर। तो क्यू बी कितना हो जाएगा आपके पास? वो ओ टी के बराबर हो जाएगा, कितना? 6 मीटर। तो आर क्यू की लंबाई कितनी आ गया? 30 माइनस 6 यानी 24। तो आर का निर्देशांक क्या है? भाई ये दूरी कितनी है? 50, और ये कितनी है? 24। इसका निर्देशांक कितना आया? 50। ये वाली बात सबको समझ आ गई कि इस बिंदु का निर्देशांक कैसे निकला? मैंने इसको x अक्ष मान लिया, ठीक है, ये y अक्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, ठीक है, ये सड़क हो गई नीचे 6 मीटर नीचे, पूरी लंबाई 30 दी थी, ये 6 है क्योंकि ये सबसे छोटा तार है और ये सबसे बड़ा तार है। तो ये जो लंबाई बची जो हमारे x अक्ष को काट रही है, ये वही 24, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? r का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, क्योंकि यहां से दूरी इसकी पड़ रही है 50, और ये दूरी आ रही है आपके पास 24, यहां से लेके। कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि r जो है वो परवलय, क्या है परवलय का समीकरण? x स्क्वायर बराबर 4ay पर क्या है स्थित है, तो उसको संतुष्ट करेगा। अभी तक तो सारे सवाल ऐसे हुए, जितने भी कोने सेक्शन के सवाल हैं उसमें एक बिंदु निकाल लेते हैं, वो परवलय पर स्थित होता है, उसको रखते हैं और ए का मान निकल के आ जाता है। उसका मकसद भी यही है देने का, एक्स का मान कितना है? 50 बराबर 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 24, ये कितना हो गया? ए बराबर 2500/4 ऐसे। तो परवलय का समीकरण क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 मल्टीप्लाई 2500/4 गुणा 24 वाई, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, यही आ गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर। और अगर काट लोगे इसे 4 से, 4 छिंग 24, ये छोड़ो ऐसे ही, क्योंकि अभी कैलकुलेशन खत्म नहीं हुई है, चलती रहेगी। अब क्या कह रहा है? मध्य से 18 मीटर दूर, मध्य कहाँ है? ये है भैया, यहाँ से कितनी दूर? 18 मीटर मध्य से, 18 मीटर दूर बिंदु कौन सा है? क्यू, ठीक है।
अब इसकी ऊंचाई कितनी है ग्राउंड से सड़क से? माना क्यू की सड़क से ऊंचाई, नहीं ये नहीं है मध्य से 18 मध्य से 18 मीटर दूर ये है, ये इसे क्या कहो पी क्यू आर एस टी यू वी वी कह दो, सी कह दो, सी तो सहायक नहीं है, मध्य से 18 मीटर दूर अगर ये दूरी में 18 है ये बिंदु सी है, तो माना सी की सड़क से ऊंचाई कितनी है, मान लो बी है, तो अगर मैं इसकी सड़क से ऊंचाई बी मानता हूं तो सी के निशान कितने आ जाएंगे, ये बिंदु सी है ना और सी है, इसकी सड़क से ऊंचाई कितनी मानी बी, तो सी के निशान क्या आएंगे, एक ही बच्चा बता रहा है बात ध्यान नहीं दे रहा हूं, कितनी होगी बात समझ आ गई, और ये मूल बिंदु है यहां से 18 मीटर दूर ये पुल पर ये बिंदु है सी, इसकी ऊंचाई कितनी मान ली बी, तो निशान कितना हो गया इसका 18 कॉमा, अरे ऐसे तो निशान नहीं मिलता है, कैसे परेशान है, ये ओ है अगर ये बिंदु है एक्स कॉमा वाई, यहाँ लंब डालते हैं ये एक्स होता है और ये वाई होता है, तो ये आपका 18 है और ये आपका ये कहाँ स्थित होगा परवलय पर, बिंदु सी एक्स स्क्वायर बराबर 2500/24 वाई पर क्या होगा स्थित है, पर भले कहा नहीं है मैंने इसे समीकरण लिख दिए ठीक है हमको समझ लिया, तो सी का निशान 18 बराबर कितना होगा 2500/24 अब खाली बी का मान निकाल तो बी इक्वल टू कितना आ गया इसे 18 गुणा 24 बटे, जब भी ऐसी कैलकुलेशन होती है नीचे 25-50 पांच के गुणक होते हैं तुरंत 400 ऊपर नीचे गुणक कितना हो गया भाई 18 के 18 गुणा करो 324 गुणा 24 गुणा 4 बटे कितना हो गया 25 चौका 100 10,000 अब इनकी गुणा कर डालो बराबर 324 की गुणा कर लो 3 4 4 4 16 4 8 4 9 4 3 4 12 4 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
पहुंचाओ, ठीक है। सड़क से ऊंचाई तो हाँ गलत होती है, नहीं सड़क से ऊंचाई तो ये आएगी पूरी, उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, छह जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सड़क को हमने एक्स अक्ष नहीं माना, एक्स अक्ष हमने किसे माना, तो माना सी की एक्स अक्ष से ऊंचाई। बी तो सड़क से ऊंचाई कितनी आ जाएगी, अतः 18 मीटर दूर जिसमें कहां से 18 मीटर दूर कहां से मध्य बिंदु, किसके मध्य बिंदु से, परवल मध्य बिंदु से 18 मीटर दूर ऊंचाई कितनी होगी भैया, 6 + 3.1104 बराबर 639.1104 मीटर, ये हो ठीक है, चेक कर लो यार ये आ रहा है। आठवां सवाल है, परवलय y² बराबर 4ax के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए तो जब उसने परवलय हमें बता दिया कि y² बराबर 4ax है, तो ये वाला होगा जिसका अक्ष x अक्ष है, यहाँ y अक्ष होगा इसके शीर्ष पर,
ना भी होगी। क्या कह रहा है, परवलय 22² / 4x के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष परवलय पर है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका एक शीर्ष कहाँ पर है, परवलय। अब समबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें अगर आप शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालोगे तो उसे 2 भागों में बांट दो। अब हम देख रहे हैं कि ये जो एक्स अक्ष है उसके अबाउट में परवलय दोनों तरफ सममित है, सिमेट्रिकल है। तो यानी अगर मैं यहाँ पर एक रेखा खींचूं जो इस अक्ष पर लंब है तो ये इस पर लंब हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऊंचा होगा इसको नीचे, तो ये इस पर लंब हो जाएगा। मान लिया मैंने ये ए बी, माना ए बी लंब है किस पर, एक्स अक्ष। अब मैं अगर ए बी को मिला देता हूँ शीर्ष से तो ये बन गया एक समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष कहां पर है, एक शीर्ष कहां पर है, देखो परवलय का शीर्ष, और बाकी जो दो भुजाएं ऐसी बनेगा। तो मैंने एक ऐसी व्यवस्था ली जिसमें जो समबाहु त्रिभुज की तीसरी भुजा थी वो एक्स अक्ष पर लंब थी, ठीक है, वहां से तो हमने जो संभाव त्रिभुज लिया परवलय के अंदर वो इस प्रकार का संभाव त्रिभुज लिया जिसकी एक भुजा इस पर एक्स अक्ष पर लंब है। आएगा नहीं ऐसे सारे कोई आएगा नहीं, उसको हमने सीधे समझा दिया त्रिभुज ओ ए बी क्या है, क्यों है, क्योंकि हम कह रहे हैं और हम इस संभाव त्रिभुज को मानकर ही सवाल को हल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जब हमने इसको संभाव त्रिभुज मान लिया तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, इस भुजा की लंबाई ओ ए बराबर होगी ओ बी और वो बराबर किसके होगी ए, और अगर मैं इसको सी कह दूं तो ये बराबर हो जाएगी आधा दुगना ए सी के या दुगना बी सी, क्यों ये तो मध्य बिंदु होगा ना, मैंने लंबा लिया इसको, ये संभाव त्रिभुज है, संभाव त्रिभुज में शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब भुजा को 2 में डिवाइड करता है, ये कक्षा 9 में हमने पढ़ा है, कक्षा 10 में हमने पढ़ा है, तो कक्षा 11 में हम इसे सीधे सीधे यूज करें। अब जब हमें पता है कि इसको मैं कोई लंबाई मान लूं, हम मान लेते हैं इसकी लंबाई ए तो इसी में आ जाता है क्योंकि इसका समीकरण कितना है 22² / 4ax, ठीक है, तो इसे ना एक्स मान सकते ना वाई ना ए कुछ और मान, हमने मान ली इसकी लंबाई कितनी पी मान, पी भी छोड़ लैम्डा मान सबसे, ठीक है, बराबर लैम्डा मान, तो ये भी लैम्डा होगा, ये भी लैम्डा होगा और ये भी लैम्डा होगा, तो ये कितना होगा लैम्डा बाई टू, क्यों यहां से यहां तक जो दूरी होगी वो आधी होगी इस पूरी की, ये पूरी लैम्डा क्योंकि ये एक संभाव त्रिभुज है, तो ये कितना बचा लैम्डा बाई टू। अब ये वाली भुजा अगर पता लग गया तो ये भी दिशा निकल आएगा, निकल आएगा, ये मुझे नहीं पता निकाल, त्रिभुज ओ सी ए भाई ये तो 90 है, कोण ए सी ओ इक्वल टू 90, तो 90 के सामने कर्ण का वर्ग ए ओ का वर्ग बराबर ओ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, कौन सी प्रमेय लगी है पाइथागोरस थ्योरम, कोई दिक्कत इसमें, ए ओ है कितना लैम्डा स्क्वायर, ओ सी कितना है पता नहीं, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये नहीं पता तभी तो हम हल कर रहे हैं, इसको इधर ले आओ लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 3 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, ओ सी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 3 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 यानी अंडर रूट 3 लैम्डा अपॉन 2, ये किसकी वैल्यू आ गई ओ सी, तो जैसे ही ओ सी पता लगा बिंदु थे के निर्देशांक निकल आए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या निकल कर आए, ये हुआ कितना अंडर रूट 3 अपॉन 2 लैम्डा कॉमा तथा बी के निर्देशांक अंडर रूट 3 बाई 2 लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा, ठीक है। अब जब मुझे इस पे स्थित एक बिंदु मिल गया तो मैं इसमें लाइक करा दूंगा,
जो कि अंडर रूट 3 लैम्डा अपॉन 2 कॉमा लैम्डा बाय 2 है। परवल है, क्या है परवल का समीकरण? y स्क्वायर बराबर 4ax पर क्या है? स्थिर है, तो उसको संतुष्ट करेगा, करा दो 4a इनटू अंडर रूट 3 लैम्डा बाय 2। कोई दिक्कत? y की जगह y कोऑर्डिनेट और x की जगह x कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये परवल पर स्थिर है। ये हो गया हमारे पास लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 4a रूट 3 लैम्डा अपॉन 2। चलो कुछ लैम्डा से लैम्डा कैसे, 2 × 4 चांदनी 8 रूट 3 a किसकी वैल्यू आ गई? तो a के निशान कितने होंगे? अतः a होगा कितना, 8 रूट 3 a, ए था कितना रूट 3 अपॉन 2 लैम्डा बाई 2 का, तो रूट 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 8 रूट 3 ए कॉमा दूसरा कितना था लैम्डा बाई 2, यानी 8 रूट 3 ए बाई 2। और बी कितना होगा? अंडर रूट 3 बाई 2 8 रूट 3 ए कॉमा माइनस 8 रूट 3 अपॉन 2, कुल मिला के कितना आ गया? एक निर्देशन दो से काटो 3 और ये 4 चातिया 12 ए कॉमा 4 अंडर रूट 3 ए, और बी आ जाएगा यहाँ से कितना 12 ए कॉमा माइनस 4 अंडर रूट 3। और तीसरा शीर्ष कौन है? पूछा क्या है? भुजा की लंबाई ज्ञात करो। ये तो हमने शीर्षों के निशान निकाल दिए, बाकी हमने भुजा की लंबाई निकाल चुके, ये आगे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, संभाव त्रिभुज की भुजा की लंबाई निकल आई यहाँ से, चेक कर लो उत्तर। ये आपका, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन एग्जाम में कभी कभी थोड़ा सा अगर बदल का क्वेश्चन आया तो वो कह देगा कि त्रिभुज ये है, इसके शीर्ष निकालो, तो शीर्षों का निर्धारण हम नहीं करते। दो तरह से सवाल ही पूछा जाता है, या तो भुजा की लंबाई पूछेगा या शीर्षों की। जैसे सवाल नंबर 6 में, अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पूछ लिया इसने, चलो ये बात में करा देंगे, अब तुम खुद कर लेना, ठीक है, बाकी बचे हुए आप कर लेना।